जल्दी दिवाली आने वाली है और हर तरफ जो है दिवाली ऑफर्स बोनांजास, हर जगह जो है धूम है ऑफर्स की। और लोगों को लगता था कि जियो भी कुछ ऐसा ही करेगा, लेकिन इस बार दिवाली पे जियो ने दिया है झटका। जी हाँ, जियो ने दिया है जोर का झटका। धीरे से आप देख रहे हैं द इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो, मैं हूँ आपके साथ यासिर मसरूर। तो फ्री के मजे जो है वो खत्म होने वाले हैं, क्योंकि रिलायंस ने जो है यूजर्स पे लगा दिया है चार्ज। हालांकि रिलायंस ने कहा ये चार्ज हमने नहीं लगाया है, ये चार्ज जो है वो ट्राई ने लगाया है। ट्राई ने जो है इंटरकनेक्ट यूजर्स चार्ज, मतलब IUC जो है वो लागू कर दिया है, इसलिए जो है ये चार्ज हमें लेना पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि कितना चार्ज जो है अब आपको देना होगा आउटगोइंग कॉल करने के लिए अपने जियो के मोबाइल से। जियो ने इसके लिए जो है वो प्लान्स निकाल दिए हैं, 10 रुपये से लेके 100 रुपये तक का जो है वो आपको वाउचर जो है वो रिचार्ज कराना होगा। लेकिन रिलायंस ने कहा है कि हम इसकी भरपाई भी करेंगे। जी हाँ, रिलायंस कह रहा है हम इसकी भरपाई भी करेंगे, हम इसकी भरपाई जो है वो डेटे की शक्ल में करेंगे। अगर आप 10 रुपये का रिचार्ज कराते हैं तो आपको 1 GB डेटा मिलेगा, और अगर आप जो है 100 रुपये का रिचार्ज कराते हैं तो आपको जो है वो 10 GB डेटा मिलेगा। मतलब कि आप ये समझें कि आप मिनट नहीं खरीद रहे हैं, आप जो हैं वो डेटा खरीद रहे हैं। आपने जो पैसे दिए हैं वो डेटा खरीदने के पैसे दिए। और मैं आपको बता दूं, शायद 17 या 19 रुपये का चार्ज था 1 GB डेटा का, जब हम एडिशनल डेटा जो है वो खरीदते थे, हमारा 1.5 या 2 GB का प्लान जब ख़त्म हो जाता था। तो इसमें जो है वो थोड़ा सा ग्राहकों को फ़ायदा नज़र आ रहा है, अगर हम डेटा की बात करें। ट्राई के अनुसार इनको लगता था कि ये IUC जो है वो 0% तक हो जाएगा 2020 तक, और जब तक रिलायंस ने सोचा था कि हम जब तक जो है वो अपनी तरफ से हम जो है वो चार्ज देते रहेंगे, हम जनता से इसका चार्ज नहीं लेंगे और भुगतान करते रहेंगे। और हालांकि 13,500 करोड़ रुपये जो है वो रिलायंस ने पे किए हैं दूसरी कंपनी को। जी हाँ, हमें उसने फ्री दिया है लेकिन अपनी तरफ से उसने पे किया। उसको लगता था कि 2020 तक जो है जो चार्ज है ये ज़ीरो हो जाएगा, तो जब तक नुकसान झेल लिया जाए। लेकिन जब रिलायंस को लगा कि ये चार्ज जो है ये ज़ीरो नहीं हो रहा है, तो उसने अब नुकसान झेलने से कर दिया इनकार। उसने कहा कि अब जो पैसा हमें देना होता था अब हम वो जो है यूज़र्स लेंगे, क्योंकि काफ़ी बातें इसमें निकल के ये आ रही हैं कि 2G सपोर्ट सिम जो है वो काफ़ी ज़्यादा अभी भी हिंदुस्तान में है, तो लोग जो है मिस कॉल्स करते हैं और फिर रिलायंस वाला बंदा जो है उन्हें कॉल करता है। तो मिस कॉल्स नेटवर्क पर रिलायंस के बहुत ज़्यादा थी, और जो उसके एवज में जो रिलायंस वाले उनके कॉल करते थे, क्योंकि हमने देखा है कि लोगों के पास जिनके पास जियो नहीं है वो जो है सीधे डायरेक्ट कॉल करते हैं, उसके बाद रिलायंस वाले जो है घंटों तक उनसे फ्री बात करते हैं। तो भैया ये जो सुविधा है अब जल्द ही ख़त्म होने वाली है, इवन ये ख़त्म हो चुकी है। तो अब अगर आपके पास रिलायंस मोबाइल है तो उसको यूज़ आपको करना है, तो आपको अब वाउचर जो है रिचार्ज करने होंगे। हालांकि ये परमानेंट नहीं है, इस बात को भी रिलायंस ने कहा है। तो फिर किसी और न्यूज़ के साथ आपके साथ रहेंगे मौजूद। आप बने रहिए द इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो के साथ। जय हिंद।